जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CAPF का पेपर का क्या पैटर्न है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, पेपर वन पेपर टू क्या है, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इंटरव्यू। तो मैं आपको बता दूं कि जो CAPF का एग्जामिनेशन है उसमें आपकी स्टेजेस रहती हैं CAPF पेपर वन, ठीक है जी, CAPF पेपर वन, जिसमें आपके रहते हैं 125 क्वेश्चंस, ठीक है जी, जो कि आपका होता है 2 मार्क्स का। तो ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सेम मार्क्स हैं, और ये हो गया आपका 250 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका CAPF पेपर टू होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव है, 200 मार्क्स का है, ठीक है जी। 200 मार्क्स में अगर आप देखेंगे 80 और 120 का रेशो रहता है, ठीक है, 80 और 120 का रेशो है। 80 जो है आपका रहता है ऐसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग में 120 आपका जो है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश का लैंग्वेज स्किल्स है, ठीक है, इंग्लिश का लैंग्वेज स्किल्स का आपका पेपर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखो अब क्या होता है कि जब एक ही दिन ये दोनों पेपर होते हैं आपके, ठीक है, ये 2 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है, 2 घंटे का, और ये होता है आपका 3 आवर्स का पेपर, ठीक है, एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं। जब लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चा जो है एक्चुअली में जो पेपर में अपीयर होता है, तो पेपर वन का एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, ठीक है, पेपर वन का एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उतने ही स्टूडेंट्स की कॉपीज पेपर टू की चेक होती हैं। पेपर टू सारे स्टूडेंट्स का, आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्या, अगर 2 लाख बच्चा पेपर दे रहा है फॉर एग्जांपल एक ही दिन में, तो क्या 2 लाख के जो बच्चे हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का पेपर टू का कॉपी चेक करना आसान है? जी नहीं। तो क्या किया जाता है, पहले पेपर टू इवेल्युएट किया जाता है, उसमें कट ऑफ डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके बाद जो है पेपर टू चेक किया जाता है, फिर एक कंबाइंड कट ऑफ निकलती है पेपर वन प्लस पेपर टू, ठीक है, एक कंबाइंड कट ऑफ होती है, और जो बच्चे उस कंबाइंड कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनको बुलाया जाता है किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ठीक है, PET बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें आपका जो है जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 चीज़ें रहती हैं, ठीक है, 100 मीटर का रेस, ठीक है जी, 800 मीटर का रेस, और उसके बाद आपका रहता है लॉन्ग जंप, ठीक है जी, और शॉर्ट पुट। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शॉर्ट पुट नहीं होता है, उनके लिए 100 मीटर, 800 मीटर और लॉन्ग जंप होता है। 100 मीटर के लिए भी टाइम जो है अलग है, जैसे मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको 16 सेकंड्स में जो है 100 मीटर कंप्लीट करना है। आप कितने भी अच्छे धावक हैं 10 सेकंड में कर रहे हैं, 16 सेकंड से पहले करना है, 16 सेकंड में वो लाइक दे पुट द फ्लैग डाउन, ठीक है, उसके बाद जो रह गया उसको उसका फिजिकल नहीं क्लियर हुआ। फिर 800 मीटर्स है, 3 मिनट 45 सेकंड्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, 4 मिनट 45 सेकंड्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। लॉन्ग जंप के लिए भी आपका 3 चांसेस मिलते हैं, 3 मीटर 3.5 मीटर 3 मीटर, ठीक है, एंड देन शॉर्ट पुट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इट इज कंपल्सरी, इट इज क्वालिफाइंग, बट इट कंसिस्ट ऑफ 0 मार्क्स, ठीक है, इसका आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग है, बट अगर आपने ये क्वालिफाई, मतलब ऑब्वियसली ये क्वालिफाई नहीं किया तो जो है आप सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। देन आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है जी, बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि इसमें SSB होता है, जी नहीं, इसमें SSB नहीं होता है, UPSC में इसका इंटरव्यू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, UPSC बोर्ड इसका इंटरव्यू लेता है, और इसका इंटरव्यू जो है होता है 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 मार्क्स का इसका इंटरव्यू होता है, और टोटल आपका हो गया 600 मार्क्स, तो 450 प्लस 150 दैट लीड्स टू 600 मार्क्स, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है वो 600 मार्क्स में से बनती है। ये इंटरव्यू अगर मैं बात करूं 20 टू 30 मिनट्स
ठीक है, 20-30 मिनट्स आपका इंटरव्यू चलता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम जो है, इट डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट का कितना इंटरव्यू चला, सो बट द आइडिया अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करेंगे, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, सो 20-30 मिनट्स जनरली टेक्स टू कंप्लीट द होल ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, यूपीएससी में होता है और इसके 150 मार्क्स होते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया जाता है, तो ये है पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जब आप पेपर वन और पेपर टू क्लियर कर लेते हैं, आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है डैफ बोलते हैं उसे, वो रहता है यूपीएससी बोर्ड के पास, उसमें आप पांचों सर्विसेज CISF, BSF, ITBP, CRPF, SSB इन पांचों सर्विसेज की अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहली प्रेफरेंस आपकी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, इस तरीके से जो है आप प्रेफरेंस देते हैं। ये है पूरा का पूरा CAPF एग्जाम का पैटर्न। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।